किसका नहीं हाँ हुआ? सर, चलो किसी और का हो रहेगा, हाँ हुआ। ठीक है, चलो आगे हमारा धनयोग। आज हम सीखते हैं कि धनयोग कैसे बनते हैं कुंडली के अंदर। तो जिस तरह आपको राजयोग बताया था, राजयोग में क्या था, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, घरों के स्वामी आपस में संबंध बनाए तो बनता है राजयोग। और जब कुंडली के अंदर, अब कुंडली के अंदर देखिए हमने क्या सिखाया था, 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर को क्या बोला था हमने, 5 और 9 को क्या बोला था, लक्ष्मी स्थान बताया था मैंने आपको, पता नहीं यार नहीं बताया, 5th हाउस और 9th हाउस को बोला था लक्ष्मी स्थान, ठीक है। और 2nd हाउस को क्या बोला था, बताया था मैंने आपको, 2nd हाउस होता है हमारा एक्युमुलेटेड वेल्थ। जब हमने हाउस पढ़ाया था आपको कि किस हाउस से क्या देखा जाता है, ये बताया था आपको। तो पहला था लगन, तो हर जगह इन्वॉल्व होगा, लगन राजयोग में भी होगा धनयोग में भी होगा। पंचम घर और नवम घर को बोलते हैं लक्ष्मी स्थान, तो लक्ष्मी की बात हो रही है अभी, तो इनको ये हाउस इन्वॉल्व होंगे, पहला घर, पांचवा घर और नौवा घर, ये कौन इन्वॉल्व होगा धन योग के अंदर। इसके बाद है हमारा सेकेंड हाउस इन्वॉल्व होगा, सेकेंड हाउस का क्या है, एक्युमुलेटेड वेल्थ, आपकी जमा पूंजी सेकेंड हाउस से देखते हैं। और है 11वां घर, 11वां हाउस घर क्या है, सभी तरह का जो गेन है, ठीक है। तो ये 5 घर मिलकर धन योग का निर्माण करेंगे, पहला घर, पांचवा घर, नौवां घर, और कौन सा है, दूसरा घर और 11वां घर, ठीक है। तो अब इस कुंडली में बताइए कि कितने धनयोग बनते हैं, जिन्होंने नहीं बोला वो बोलेंगे अब तक, जिनको जिन्होंने नहीं बोला अभी तक। अनिल गुप्ता जी, हाँ जी सर, बताइए सर, एक बार दोबारा बताएंगे सर। धनयोग बताइए हेलो सर, धनयोग पहले नंबर का धनयोग बनता नहीं बनता कुंडली में, सर, धनयोग का एक बार डेफिनेशन बताएंगे सर, बड़ा धन साउंड नहीं आ रहा था आपका। सर धन योग का मतलब यह है कि योग, जैसे बताया ना आपको, मैंने यहां लिख दी है कि 5 घर मिलके आपस में धन योग बनाते हैं, 5 घरों का आपस में संबंध अगर बन जाए, वो घर कौन कौन से ओके हैं, पहला घर, पांचवा घर, नौवां घर, दूसरा घर और 11वां घर, ये 5 घर मिलकर आपस में संबंध बना ले तो धन योग का निर्माण करते हैं। ओके ठीक तो पहला संबंध है। कैसे हाँ बनेगा, लगन का संबंध दूसरे घर से, लगन लॉर्ड का सर, संबंध दूसरे घर के लॉर्ड के संबंध के साथ बन जाए तो धनयोग बन जाएगा। हाँ सर, बन रहा है ये तो पहला वाला। लगन लगन का लगन स्वामी कौन है, नहीं तरीके से बताओ, चाहे सर सर सबको समझ में आए, का बुध, बुध है जी, लगन का स्वामी। पहले का बुध है, दूसरे का स्वामी कौन है, शुक्र, दूसरे शुक्र, का शुक्र। ठीक है। तो बुध और शुक्र कुंडली में आपस में संबंध बना रहे हैं, तीनों में से कौन सा संबंध बन रहा है, वो हाँ सर बना रहे सर, प्रणामी पंचम, जब पूछा जाए तभी आंसर देना है। पंचम में युति हो रही है सर इनकी। पंचम में युति हो रही है, बहुत बढ़िया, इस तरह बोलना है, बेशक आपको आता भी है ना, फिर भी इस तरह बोलो ताकि आपकी आवाज सुनकर 4 लोगों को और समझ में आ जाए चीज, कि भाई जी पहले घर के स्वामी और दूसरे घर का स्वामी बुध और शुक्र है, इन दोनों ने साथ बैठकर युति संबंध बनाया पंचम घर में, जी ठीक है। जी जी शुक्र और मरकरी देखिए दोनों साथ बैठ गए, तो हम बोलेंगे पहले नंबर का धनयोग बन गया, ठीक है। जी अब दूसरे जी का, दूसरे का संबंध देखिए, जी लगन लॉर्ड बुध बुध और शनि, आप कौन बताएगा, सक्षम जी आप बताओ, जी सर। सक्षम जी बताइए दूसरे नंबर का राज धनयोग बनता है नहीं बनता कुंडली में, सर, तरीके से लग्न बताना कि लगन का लग्न का स्वामी ये है, लॉर्ड, पंचम का स्वामी ये है और ये ऐसे बैठे हैं वैसे बैठे हैं, सर लग्न का लॉर्ड है बुध, बुध, ठीक है, और पंचम का जो लॉर्ड है वो है शनि। बिल्कुल ठीक बात है, अब सर साथ में तो ये दोनों नहीं बैठे, साथ में नहीं बैठे क्योंकि शनि यहां बैठा है और बुध यहां बैठा है, और सर दृष्टि संबंध भी नहीं है, दृष्टि संबंध भी नहीं है क्योंकि बुध की सात्विक और दृष्टि होती है, तो बुध देखेगा वहां पर, जी इसको सर, देख ही नहीं दिया, ठीक जी है। सर, एक्सचेंज है क्या दोनों का और आपस में, नहीं सर, एक्सचेंज भी नहीं एक्सचेंज है। भी नहीं है क्योंकि शनि जो है बुध की राशि में नहीं बैठा, लेकिन बुध शनि की राशि में बैठा है ये तो पक्का है, लेकिन अगर ये शनि यहां पर बैठ जाता तो ये संबंध बन जाता, ठीक जी है। तो इसमें संबंध नहीं बना, तो हम बोलेंगे लगन का और फिफ्थ का संबंध नहीं बना, ठीक है, क्रॉस कर देंगे इसको। आगे तीसरे नंबर का बताइए कौन बताएगा, चिंकी नागपाल जी आए नहीं आए हमारे अभी, नहीं आए, रेणु जी आप बताइए दोबारा से, रेणु जी बताएंगी तीसरे नंबर सर। का धनयोग बनता नहीं बनता इस कुंडली में, अभी नहीं देखिए सर, तीसरे नंबर का धनयोग कैसे बनेगा,
लगनता स्वामी देखो और नवे करता स्वामी देखो। आई एम मरकरी एंड वीनस। हाँ मरकरी वीनस का संबंध है इस कुंडली में कुछ? मरकरी एंड वीनस यस है सर, है सर। कौन सा संबंध है? युति है पंचम हाउस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस यही देखना और करना क्या यार, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है ज्योतिष। ठीक है तो ये युति संबंध बना लिया तो ये धनयोग बन गया। अब आगे चलिए, आगे कौन बताएगा? किससे पूछा जाएगा? अभी अभी नहीं हो पाया, हमारी क्लास चल रही है। गीता जी आप बताओ। हाँ सर। ये चौथे नंबर का राजयोग धनयोग बनता नहीं बनता सर? चौथा सर। हाँ चौथा सर, 11वें से सर। हाँ बताओ बताओ बताओ। 1, 2, 3 लगन का स्वामी कौन है? पहले तरीके से बोलो कि लगन का स्वामी ये है, 11वें घर का स्वामी ये है, आपस में ये बैठ संबंध बना तो कौन सा बना, नहीं बना तो कैसे नहीं बना? सर ये जो है लग्न का स्वामी सर बुध है। हाँ। और 11वें घर का स्वामी सर वो मून है। हाँ। तो सर इनका सर जो 5th हाउस में है। हाँ। सर इनका युति से सर बन रहा है, युति संबंध बन गया। बहुत बढ़िया, बस 11वें घर का 11वें घर का स्वामी सन है। 11वें घर का स्वामी सन कहाँ से आ गया मेरे भाई रोहन? अच्छा सॉरी सॉरी, 12वें का बात। सर शनि है, शनि है, शनि। शनि कहाँ से आ गया मैडम? नहीं नहीं वो मून ही है। लग्न का स्वामी बुध है, 11वें घर का स्वामी चंद्रमा है। हाँ जी हाँ जी, ठीक 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 सर। इस कुंडली में बुध और चंद्रमा का कोई संबंध है क्या? 8 बजे गाड़ी होगा, 8 बजे होगा। बुध और चंद्रमा दोनों इकट्ठे बैठे हैं, है सर है, युति है। तो ये बोल सकते हैं ये संबंध बन गया। ठीक है अब आगे और बोलिए, कौन बोलेगा? चिंकी नागपाल जी आएगी ना, गायब हो गए। चलो सोनल, सोनल बेटा आप बोलो, पांचवा बहुत बताओ आप, पांचवा बताइए। सर सेकंड का लॉर्ड है वीनस। हाँ सेकंड का लॉर्ड वीनस है। हाँ फिफ्थ का लॉर्ड है सैटर्न। फिफ्थ का लॉर्ड है सैटर्न, बताइए। बहुत बढ़िया, तो हम एक साथ प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आपको, बाकी सारे पीछे से आवाज आ रही है प्लीज। हाँ जी बताओ। सर वो एक साथ नहीं बैठे हैं, दोनों एक साथ नहीं बैठे लेकिन वो एक दूसरे के घर में बैठे हैं, तो एक दूसरे घर में बैठे हैं। बहुत बढ़िया, देखिए ये क्या हमने क्या पकड़ा यहाँ पर, दूसरे घर का स्वामी है शुक्र और पांचवे घर का स्वामी है शनि। अब शुक्र और शनि पहले देखो इकट्ठे बैठे हैं क्या, तरीके से करो कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं है। शनि और शुक्र इकट्ठे नहीं बैठे, पहले नंबर का युति संबंध नहीं बन रहा क्योंकि शुक्र यहाँ बैठा है शनि यहाँ बैठा है। दूसरे संबंध कौन सा होता है? दूसरा संबंध होता है दृष्टि का, शुक्र की साधे दृष्टि होती है, शुक्र देख रहा है 11वें घर को तो शनि को तो नहीं देख रहा, तो दूसरे नंबर का योग भी नहीं बनता, संबंध नहीं बन रहा। तीसरे नंबर का संबंध कौन सा होता है? एक्सचेंज का। एक्सचेंज में क्या था कि शुक्र अगर शनि के घर में जाके बैठ जाए और शनि अगर शुक्र के घर में जाके बैठ जाए तो एक्सचेंज का योग बन जाएगा, परिवर्तन का योग बन जाएगा। अब यहां पर देखिए जो शुक्र है वो शनि के घर में बैठा है, शनि की राशि है ना 5वें घर में, तो हम क्या बोलेंगे? शुक्र महाराज पंचम घर में शनि के घर में बैठे हैं। और शनि को क्या बोलेंगे? शनि 9th हाउस में बैठा है, किसके घर में? शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र के घर में। ठीक है तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के घर में जाके बैठ गए, तो क्या इसको क्या बोलेंगे संबंध को? एक्सचेंज, परिवर्तन योग बना लिया। ठीक है अब आगे बताइए प्रवीण जी, प्रवीण आहूजा जी, प्रवीण आहूजा जी अपने आपको। जी सर जी सर जी सर जी सर। 6 नंबर का धनयोग बनता नहीं बनता इस कुंडली में? सर लग्न में बुध है सर, सर तरीके से सर, सेकंड हाउस का शुक्र है, सेकंड हाउस में शुक्र है। ठीक है नाइन्थ का लॉर्ड है वीनस, नाइन्थ लॉर्ड वीनस, तो दोनों ही शुक्र आ गए। हाँ जी दोनों शुक्र आ गए सर, दोनों का संबंध एक, दोनों का मालिक एक है तो ये भी योग बन जाएगा। जी बिल्कुल बन गया सर। ठीक है दोनों का मालिक ही एक हो गया। जी जी चलो अब दूसरा भी आप ही बताइए, चलो 7वां नंबर का योग भी आप बताइए। 7वां सर ये सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो शुक्रिय है। हाँ और 9th हाउस का सॉरी 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो मून है, मून है। ठीक है इस कुंडली में क्या कोई योग बना रहे हैं शुक्र और चंद्रमा, संबंध बना रहे हैं सर? शुक्र भी,
शुक्र जो है ना फिफ्थ हाउस में हाँ, और मून भी जो है फिफ्थ हाउस में सर। बहुत बढ़िया, तो दोनों युति संबंध बना रहे हैं जी सर। तो संबंध बन गया, योग बन गया, ठीक है। अब कुछ कोई जो ना बोला हो, जो बोलने की इच्छुक रखता हो वो बोले। ईश्वर, ईश्वर जी बोल सकते हैं, केएल गौतम जी बोल सकते हैं। गौतम जी बोलिए, आप बोलिए। आठवां सर, आठवां वाला नंबर का। नौवां ईश्वर जी बोलेंगे फिर सर। फिफ्थ लॉर्ड हमारा शनि है, फिफ्थ लॉर्ड शनि है, नाइन्थ लॉर्ड हमारा शुक्र है। हाँ, तो शुक्र शुक्र तो बैठा है हमारा पंचम में और शनि बैठा है नवम में। हाँ, इनमें युति संबंध नहीं है, दृष्टि संबंध नहीं है और एक्सचेंज भी नहीं। एक्सचेंज एक्सचेंज है दोनों, एक्सचेंज है। बहुत बढ़िया, ठीक है, हमने भी देखा एक्सचेंज संबंध है। तो क्या बोलेंगे, ये योग भी धन योग में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अब ईश्वर चंद्र जी, आप बताइए, नौवें नंबर का लॉर्ड और लग्न दोनों एक साथ बैठे हुए हैं पांचवे घर में, नौवें नंबर का योग क्या कैसे बनेगा? ग्यारहवें घर का लॉर्ड और लग्न, लग्न कहां से आ गया सर? पंचम, पंचम लॉर्ड है ये। क्या लिखा है नौवें नंबर पे? फिफ्थ लॉर्ड प्लस इलेवंथ लॉर्ड। तो फिफ्थ लॉर्ड शनि, फिफ्थ लॉर्ड शनि और इलेवंथ लॉर्ड कौन है? इलेवंथ लॉर्ड मून। शनि और चंद्रमा का कोई संबंध है इस कुंडली में? हाँ जी है, चंद्रमा जो है शनि के घर में बैठे हैं। हाँ, और यहाँ पे शनि की दृष्टि नौवें घर में बैठ के दसवीं दृष्टि पड़ रही है पांचवें घर पे। पांचवें घर में सर कैसे पड़ जाएगी? पांचवें घर में नौवीं दृष्टि पड़ती है नाइन्थ हाउस से। एक मिनट सर। हाँ, और संबंध बनाओगे तो एक ही संबंध बनेगा? एक का साथ एक के राशि में बैठ के बना दिया दूसरे। हाँ, ये नवी दृष्टि आएगी, बिल्कुल सही, यानी संबंध बनता है सर, ठीक है, ऐसे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ना तो ये साथ बैठे, ना इन दोनों को, दोनों आपस में दृष्टि संबंध बना रहे और ना ही एक्सचेंज में है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये धनियों नहीं बन रहा है। अब अगला एक लास्ट बचा है, कौन बताना चाहेगा जिसने नहीं बोला आपका? कोई ऐसा है वॉलेंटरी अपने आप से बताना चाहे? रोहन, चल तुम बता दो, रोहन बताएगा। हेलो, हाँ जी सर। हाँ रोहन बता दो। नाइन्थ का जो लॉर्ड है हाँ, वो है विनस, ठीक है, ठीक है। नौवें का स्वामी है शुक्र, ठीक है, शुक्र। ग्यारहवें घर का, इलेवेंथ हाउस का स्वामी है मून, मून, ठीक है, ठीक है सर। और मून और वीनस एक साथ बैठे हैं फिफ्थ हाउस में, तो युति हो गई, युति हो गई, ठीक है। तो ये युति संबंध बनाया दसवें वाले योग ने। सर एक चीज पूछनी थी जरा। हाँ जी नागेश जी। हाँ जी सर, ये जो हमारा इसमें कन्या की लगन है, हाँ जी, इसके अंदर जो है लग्नेश और दशमेश का भी संबंध बनेगा बुध का? दोनों एक ही है, बिल्कुल बनेगा सर। राजयोग नहीं, राजयोग है, धन्योग नहीं, राजयोग। राजयोग इसलिए बन रहा है कि लगन को हम उस टाइम त्रिकोण मान रहे हैं और दसवें घर को हम केंद्र मान रहे हैं, उसके बन जाएगा, इसलिए बनाया। हाँ, तो एक सिंगल सिंगल प्लैनेट है फिर ये। हाँ, एक ही प्लैनेट आ गया ना, कि दोनों स्वामी एक ही है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, जैसे युति, युति तो आराम से जो है ना, मतलब पता लग जाती है, दृष्टि भी आ जाती है, तो उसका एक्सचेंज के लिए कैसे फॉर्मूला अप्लाई करें कि पता लग जाए भाई किसका साथ एक्सचेंज है कि नहीं? दो ही तो प्लैनेट देखने हैं यार, दो प्लैनेट देखना सर, ये देख लो, दोनों को एक एक करके देखो, ये किसकी राशि में बैठा है, क्या ये उसकी राशि में बैठा है कि जो संबंध बना रहा है, ऐसे दूसरे वाले को देख लो, बस सिंपल थी। प्लैनेट सारे शुरू कर दें हम सूर्य चंद्रमा से लेके? नहीं नहीं सर, सारे नहीं देखने, या तो देख लो आप, लेकिन जिस प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हो वो देख लो एक्सचेंज में है या नहीं किसी के साथ, ठीक है, ये देख लेना पड़ता है। ये आगे पता लगेगा, एक्सचेंज हमेशा आएगा, दृष्टि हमेशा आएगी, युति हमेशा आएगी, जब तक ज्योतिष करोगे यही वर्ड सुनोगे जीवन भर, 10 साल करो, 20 साल करो, जीवन भर करो। तो नहीं सर, जैसे हमारे को ग्रहों का एक्सचेंज देखना है तो हमने सारे लगाए, सूर्य का चंद्रमा से, सूर्य का मंगल से, बुध से, सारे लगाए, फिर सारे देख लो ना किस कुंडली की, जो भी कुंडली एनालाइज करते हो सबसे पहले देख लो कोई एक्सचेंज में है क्या किसी के साथ, ठीक है सर।
और अभी देखिए इस कुंडली में कितने धनी